ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपो निधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के, महाधर्म के महाअर्थ को व्याख्यित किया, महाअर्थ को व्याख्यित किया। सराको धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। मैं पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र ही ज्ञाता दृष्टा हूं। हम तो कोई वस्तु देखते बहुत अच्छी है या ये बहुत बुरी है, लेकिन सपर भेद विज्ञानी आत्मा की महिमा समझी है जानी है, धर्म की महिमा जिसने समझी जानी है। बहुत मुश्किल है धर्म में रुचि होना और धर्म का ज्ञान होना और फिर उस पर चलना, ये सारे कार्य बहुत दुर्लभ है। और चल करके हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पूर्ण सुख शांति प्राप्त करना, सत्य से साक्षात्कार करना। आप पूजन की पंक्तियां, सरस्वती पूजन की पंक्तियां बोलते हैं, जन्म जरा मृत क्षय करे हरे कुने जल रीत, भव सागर सो ले तिरे पूजो जिन बच प्रीत, तिरे भैया पूजो जिन बच प्रीत। जन्म जरा मृत क्षय करे, ये हमें मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली है? नोट छापने के लिए, खाओ पियो, जीवन में जितने पाप कर सको। नहीं बंधु, ये मनुष्य पर्याय तो जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मिली है। हरे कुने जड़ रीत भवसागर सो ले तेरे, अनंत काल से हम सबका जीवन संसार में व्यतीत हो रहा है, तो ज्ञान चेतना वाला तो ज्ञाता दृष्टा रहता है और कर्म चेतना वाला भले बुरे की बुद्धि सहित पर द्रव्यों में करने धरने का अहंकार, ये है कर्म चेतना का प्रभाव। और कर्म फल चेतना जो इंद्रिय जन्य सुख दुख है उनमें तन्मय होकर के अपने आप को सुखी और दुखी का अनुभव करना, ये कर्म फल चेतना है। हम सबको ज्ञान चेतना प्राप्त करना है और ज्ञान चेतना के लिए स्यादवाद अनेकांतवाद को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो निश्चय ने को सत्य मानते हैं, कुछ लोग व्यवहार ने को सत्य मानते हैं, लेकिन दोनों ने सापेक्ष हैं।
सापेक्ष ने का कथन विकास करेगा और जो एक ने का आश्रय लेकर के तत्व को समझना चाहते हैं वे कभी ज्ञान चेतना का आनंद नहीं ले सकते, वे संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कौन सा ने पहले है? निश्चय ने पहले होता है कि व्यवहार ने पहले होता है? कुछ लोग कहते हैं निश्चय ने होता है पहले। हमें छिपी टोला के मंदिर में जाना है, महाराज आए हैं तो निश्चय हो गया और चलिए सब व्यवहार हो गया, एकदम गलत है। निर्णय कहो, संकल्प कहो, लक्ष्य कहो, यह पर्यायवाची है। हम निर्णय को, लक्ष्य को, संकल्प को निश्चय ने मान लेते हैं, यह मोटी भूल है स्वाध्याय प्रेमियों की। निर्णय किया आज हमें क्या बनाना है, तो आज अमुक की सब्जी बनाना है या अमुक की दाल बनाना है, यह निर्णय हुआ। लक्ष्य बना, यह संकल्प है। और जब उसकी तैयारी आदि हो जाती है, वह व्यवहार ने है और लक्ष्य की प्राप्ति निश्चय ने है, तो हम उस निर्णय को, संकल्प को, लक्ष्य को ही निश्चय ने मान लेते हैं। मुझे IIT करना है, मुझे BTech करना है, मुझे MBBS करना है, मुझे लॉ करना है, यह तो निर्णय हुआ। तो भैया पहले बोर आता है बाद में आम आता है, पहले फूल होता है बाद में फल। व्यवहार ने फूल है और निश्चय ने फल है। हे तो नियत को होई, जो निश्चय का कारण है वह व्यवहार ने कहलाता है। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता है। आज निश्चय ने, व्यवहार ने, निमित्त उपादान, भाग्य पुरुषार्थ को लेके बड़ी भ्रांतियां लोगों के अंदर है। बंधु हमें नर जीवन मिला है, यह नर जीवन कुछ पाने के लिए मिला है। यह नर जीवन संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मिला है। और मृत्युंजय स्वामी से समय सार क्रस में पूछो तो वे कहते हैं जब तक नयों का विकल्प है तब तक तुम शुद्धोपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो सकती हो। ये नए तो वस्तु तत्व को समझने के माध्यम थे, कारण थे। आज नयों को ही लोगों ने, एक ने निश्चय ने का चोर, एक ने व्यवहार ने का चोर, और दोनों ही अधर्मात्मा है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं पंडित टोडरमल जी के मोक्ष और प्रकाशक, जो बाह्य क्रिया कांडों में उलझा रहता है उसे व्यवहाराभासी कहा, और जो क्रियाओं में आलसी है, पूजा भक्ति जड़ की क्रिया मानता है, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन कहता रहता है, उसे निश्चयाभासी कहा। वो जो दोनों को स्वतंत्र रूप से मानता है वह भी मिथ्या दृष्टि है, उसे उभयाभाषी की संज्ञा दी है। ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, एक गौण एक मुख्य। यह उमा स्वामी के सूत की व्याख्या आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में की है, तो आचार्य विद्यान स्वामी ने श्लोक वार्तिक में श्लोक के माध्यम से इसका प्रतिपादन किया है, वर्णन किया है। एक गौण एक मुख्य। वो आचार्य अमृतचंद स्वामी से मिले तो पुरुषा शुद्धि उपाय में वे कहते हैं एक ही ना कर्षंती। इतना अच्छा दृष्टांत दिया है, पता नहीं कैसे लोग निश्चय व्यवहार को लेके भ्रमित हो रहे हैं। एक ग्वालिन दही मथती है, रस्सी कितनी होती है? दो या एक? अब तो आजकल न मथानी जाने और न, क्योंकि अब सपरेटा दूध की व्यवस्था है। पहले जो दही मथा जाता था लोनी निकलती थी और घी बहुत हल्का होता था, पाचक होता था,
मलाई में से घी निकालोगे वो चीनी आएगी। जब घी मथता था, मक्खन मथता था और बिलोया जाता था, वो अलग ही स्थिति थी। तो जैसे रस्सी एक है और छोर दो हैं, ऐसी प्रमाण रूपी रस्सी के एक निश्चय छोर, एक व्यवहार छोर, एक गौण है, एक मुख्य है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो भैया, हमें अपने जीवन में इन निश्चय और व्यवहार के तथ्यों को समझ करके मध्यस्थ भाव रखना, यह ज्ञानी की परिणति, धर्मात्मा की परिणति है। हम अपना आदर्श किसे बनाए? हम तो मेरी भावना की पंक्तियां बोल रही हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जन हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहे। भैया, जिसके राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, जो स्वयं दुखी है वो हमें क्या सुखी बनाएगा? आज हम बीतराग प्रभु को भूल करके और रागी देसी देई देवताओं के चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। सुना है वो देवी फैक्ट्री चलवा देती है, वह पीर वाले बाबा की यहाँ चादर चढ़ाओ तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करो तो ऐसा हो जाता है। भैया, कोई भी देवी देवता आपका अच्छा बुरा नहीं कर सकता है, आपका पुण्य पाप ही अच्छा और बुरे में निमित्त बनते हैं। जो स्वयं रागी है, स्वयं देसी है, जो स्वयं दुखी है, वो दूसरों को क्या सुखी बनाएगा? तो भैया, हम अपना आदर्श किसे बनाए? जिसमें हमसे कुछ विशेषता हो, और वह है देवशास्त्र गुरु, सर्वज्ञ बीतरागी हितोपदेशी। यही हमारे आराध्य हो सकते हैं, यही हमारे पूज्य हो सकते हैं, यही हमें संसार बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन आज हमें बीतराग प्रभु पे विश्वास नहीं है और हम चमत्कार और अन्य अन्य चक्कर में फंस जाते हैं। भैया, संसार में जितनी अनुकूलताएं हैं ये सब पुण्य कर्म का उदय है, और जितनी विषमताएं प्रतिकूलताएं ये पाप कर्म का उदय है। इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति आदि के माध्यम से हम जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं? जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीतराग प्रभु किसी को देते लेते दिखते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की झोली हमने भरी हुई देखी। शर्त एक है, आपकी आस्था हो, आपका विश्वास हो। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था बीतराग प्रभु में होगी, वो अपने जीवन में उतना सफल हो सकता है। आजकल मैंने काल सर्प की बात की थी, कल थोड़ी सी, कल दिन में स्वाध्याय में भी कुछ लोगों ने जिज्ञासा उठाई। काल सर्प जैन दर्शन में है ही नहीं, और काल सर्प तो प्योर व्यापार है, शुद्ध व्यापार। अब मुझे नहीं मालूम काल सर्प के लिए आप विधान करा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और मैं तो एक दूसरी बात कहता हूं, किसी से दुश्मनी भजानी हो तो काल सर्प योग वाले से मिला दो, उसकी जिंदगी तो बेकार बैसी हो गई। कोई काल सर्प नाम की चीज नहीं, अपने दिमाग से इसे निकाल दे। और जो कोई आपको बताए
चाहे मेरे जैसा व्यक्ति भी बताए तो कभी काल सर्प की बात मत मानना। आज जिससे देखो सबको काल सर्प योग हो गया, परेशान है, दुखी है, अपने पाप कर्म के वजह से, अशुभ कर्म के वजह से। और दूसरा एक नवग्रह का चक्कर, बहुत बीमारी चल रही है नवग्रह। मनुष्य व्रत भगवान तो बड़े परेशान, मुझे सातिया संचय से गिरवा दिया ने चिपटोला वाला, चिपटोला की बात नहीं कर रहा, वो सबकी स्थिति। हमारे तीर्थंकरों का तो सबका समान प्रभाव है, और ग्रह नौनी होते हैं, बड़ी भ्रांति है लोगों में। 88 ग्रह है हमारे जैन दर्शन, जैन ज्योतिष के अनुसार। आपने एक राजा को नौकर बना दो, उसका नाम है नवग्रह। समझ में नहीं आया आप क्या बोल गए? सूर्य चंद्रमा को नवग्रह में मानते हैं हिंदू लोग, कुछ संप्रदाय के लोग। वो हमारे यहां सूर्य और चंद्रमा को क्या माना है? इंद्र और प्रतिंद्र माना है। भवनाले चालीसा चालीसा बंतर देवाण होत बत्तीसा कप्पा मर चौबीसा सूरो नरो त्रियो। भैया उस सूर्य और चंद्रमा को तो इंद्र प्रतिंद्र माना है, और तुम उसे नवग्रह में डाल रहे हो। कितनी मोटी भूल है, अपने पुण्य को पाप में बनाने की तैयारी कर रहे हो आप। ग्रह तो 88 माने जाते हैं, इसलिए नवग्रह सब तीर्थंकरों का समान प्रभाव है। किसी भी वीतराग प्रभु की भक्ति आप कीजिए, और अपनी विपत्तियों को संपत्ति बनाइए। लेकिन आपको विश्वास नहीं है, पूजन में तो आप बोलते हो लेकिन आपको विश्वास नहीं। भैया हमें यह नर जीवन मिला है, यह परमात्मा बनने के लिए मिला है, और किसी भी तीर्थंकर की भक्ति आप कीजिए, वीतराग प्रभु की भक्ति आप कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर किसी का अच्छा बुरा नहीं करता है, अच्छा बुरा तो तुम्हारे पुण्य और पाप पर है। लेकिन वीतराग प्रभु की भक्ति करने से अशुभ कर्म के बादल छटते चले जाते हैं, प्रशस्त पुण्य कर्म की वजह से हमारे जीवन में बिगड़े हुए कार्य बनते चले जाते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, समर्पण आपका होना चाहिए। तो नवग्रह को लेकर आज बड़ी ऋषि मंडल की पूजा हमारे जैन दर्शन में नहीं है, क्योंकि किसी देवी देवता की पूजा हमारे यहाँ नहीं मान्य है। हमारे यहाँ तो वीतराग प्रभु बंदे तदगुण लब्धे, हम जो वीतराग प्रभु भक्ति करते हैं वह लौकिक कामनाओं की दृष्टि से नहीं करते हैं। गोद भराई के लिए हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निकांक्षित अंग मंदिर क्यों जाते हैं? ये हमारा कर्तव्य है, मंदिर में डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कराते हैं। मोबाइल तो सबके पास है, वो सब चलाते हैं मोबाइल। मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो चार्जर से चार्ज करते हैं। हमारी जीवन रूपी जो डिस्चार्ज बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए ये भगवान पार्श्वनाथ चार्जर का काम कर सकते हैं। हम बनिया आदमी हैं, दो चावल चढ़ाएंगे और कुंटल की कुंटल वसूल करते हैं हम। कभी आपने समझा? कभी नहीं सोचा। भैया हमें यह नर जीवन मिला है, ये हम मंदिर जाते हैं प्रातः काल। जो रोज मंदिर जाते हैं उनका जीवन व्यवस्थित मिलेगा, और जो मंदिर ही जाते हैं न उनके खाने का टाइम, न नहाने का टाइम, न भोजन का टाइम, और ऐसे लोगों को हॉस्पिटल का रास्ता ज्यादा देखना पड़ता है।
ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपो निधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महाअर्थ को व्याख्यित किया, महाअर्थ को व्याख्यित किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपो निधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।